उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गत दिवस दिन दहाड़े कचहरी परिसर में बम विस्फोट हुआ। बमबाजी की घटना हुई जिसमें कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ता और कुछ लोग घायल हो गए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोर्ट परिसर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इधर ग्रेटर नोएडा में भी कोर्ट परिसर में पुलिस ने डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते सहित सभी गेटों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें दौड़कर पकड़ा गया। इस सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को ये संदिग्ध हाथ लगे, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यदि कुछ निकलता है तो फिर इनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्थित कचहरी परिसर में पुलिस ने हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी। ग्रेटर नोएडा कोर्ट परिसर में जो भी व्यक्ति आ रहा था उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही थी, तलाशी ली जा रही थी, उसके बाद ही उसे अंदर जाने दिया जा रहा था। इसके अलावा सभी गेटों पर मेटल डिटेक्टर के साथ स्कैनर भी लगा हुआ है, जो सामान को स्कैन करता है और ये रीड कर रहा है कि कहीं कोई सामान के मध्य संदिग्ध वस्तु तो नहीं ले जा रहा है। कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर दो युवक भागने लगे। पुलिस ने इन संदिग्ध युवकों को दौड़कर पकड़ लिया। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये पुलिस को देखकर क्यों भागे थे। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है तो यहाँ पे कचहरी की जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा हम लोग लेते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। आज जो है BDS टीम और हमारा जो AS टीम थी, इन सब ने पूरी जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं इनकी चेकिंग करवाई। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन सब की परमानेंट चेकिंग हो रही है। हमारे यहाँ स्कैनर वगैरह लगे हुए हैं, जितना भी सामान जाता है वो चेक होकर कहीं जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ के नोडल न्यायाधीश हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी कुछ इनपुट्स दिए, हमने भी कुछ अपनी बातें उनको बताई। तो जो भी माननीय हाईकोर्ट के निर्देश हैं कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, उसको हम लोग पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक जो है वो हम लोग उसमें काफ़ी हद तक सफल रहे। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते से भी चेकिंग की गई? हाँ, वो चूंकि जो है वो कभी कभी जो है एट रैंडम हम लोग चेकिंग कराते हैं कि कोई संदिग्ध गाड़ी या संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है जिसमें कोई विस्फोटक पदार्थ या जो है वो आपत्तिजनक सामग्री हो, तो उसको लेकर के हमारे ट्रेन डॉग है और BDS की टीम है, तो उन्होंने भी आ जा करके पूरा चेक किया, राउंड लिया और संतोषजनक व्यवस्था पाई। सर, दो संदिग्धों को पकड़ा गया है, अब उनसे पूछताछ करेंगे वो क्यों यहाँ पे थे, क्या कारण है। अगर जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा तो उनको रिलीज कर देंगे, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे।